और आज के वायरल के बाद खबर ठंड के टॉर्चर की। देश भर में हर बीतते दिन के साथ ठंड भी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी तो रुक गई है, लेकिन हर तरफ बर्फ की सफेद चादर है। जहां तक तस्वीरें आ रही हैं सामने, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। और घाटी में बर्फबारी भले ही अभी रुक गई है, लेकिन ठंड काफी बढ़ गई है। कल रात श्रीनगर ने ठंड के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कल रात श्रीनगर का तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये पिछले 8 साल में श्रीनगर में सबसे सर्द रात थी। डल झील भी जम गई है। इसी के साथ वहां मौजूद शिकारों की भी रफ्तार थम गई है। कश्मीर के पहलगाम में इस बर्फ के बीच बच्चों ने मार्शल आर्ट्स किया, वो तस्वीर भी आपके सामने। श्रीनगर में इतनी ठंड पड़ी है कि डल झील अब पूरी तरह से जम चुकी है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर डल झील पहुंचे तो वहां क्या नजारा देखा, रिपोर्ट में देखिए। श्रीनगर में आज की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात -7.8 डिग्री रिकॉर्ड की गई है, जो आज से 8 साल पहले 14 जनवरी को रिकॉर्ड हुई थी। इसकी वजह है पहाड़ों पर हुई भीषण बर्फबारी के कारण बर्फीली हवाओं का असर। ऐसा है कि श्रीनगर से लेकर लेह तक तापमान जो है वो 0 से करीब -28 डिग्री तक नीचे चला गया है। हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील में मौजूद है, एक शिकारे में बैठे हुए हैं। झील का हर हिस्सा जो है वो आज पूरी तरह से फ्रीज हुआ है। यह आप देख सकते हैं कि झील में करीबन 6 इंच से ज़्यादा जो है बर्फ़ की मोटी परत बिछी हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी परत को काट कर जो है शिकारा आगे बढ़ पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये शीशे की दीवार जो है ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, और इसी शीशे की दीवार को काट कर आपको शिकारा चलाना पड़ता है। सबसे पहले झील में जो बर्फ़ की मोटी परत बिछी हुई है, इस बर्फ़ को काटना है, तभी शिकारा जो है वो आगे बढ़ पाएगा। कश्मीर के दूसरे हिस्सों के तापमान पर नज़र डालें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर में ठठरती ठंड ने कैसी दस्तक दी है। पहले भीषण बर्फबारी का कहर और अब बर्फीली हवाओं के कारण जो तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है, उससे कश्मीर के हर हिस्से में जो है तापमान में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। गुलमर्ग के तापमान पर नज़र डालें तो वहाँ का तापमान -9.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहलगाम का तापमान 11.7 है। लेह यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लेह का तापमान जो है वो -16.3 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि करगिल का तापमान 19.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन द्रास के तापमान पर नज़र डालें तो बदन कांप उठता है, वहां का तापमान -28.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर में -7.8 डिग्री में इस तरह से झील का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, और जहां का तापमान -28 डिग्री तक पहुंच चुका है, वहां की तस्वीर कैसी होगी। दरअसल कश्मीर में हुई भीषण बर्फबारी के बाद दिन में धूप खिलने से अब रात में जो है बर्फीली हवाओं का असर रहता है। रात को आसमान खुला रहता है और सुबह जब आंख खुलती है तो बर्फ की मोटी परत जो है हर तरफ से दिखाई दे रही है, और उस पर मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में कश्मीर की रातें जो है और ज्यादा सर्द होंगी, यानी कि फिलहाल लोगों को ठठरती ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी श्रीनगर। पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में स्नोफॉल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, ऐसा क्यों, देखिए संवाददाता मंजूर मीर की इस रिपोर्ट में। कहते हैं कश्मीर में अगर बर्फबारी न हो तो कश्मीर की सुंदरता अधूरी रह जाती है, और कश्मीर में जैसे ही मौसम की पहली बर्फबारी होती है तो लोग एक दूसरे को बर्फबारी की मुबारकबाद देते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन जब ये बर्फ हद से ज़्यादा गिरने लगती है तो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है, और कश्मीर में इस साल हुई भीषण बर्फबारी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बयान कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है। श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर आपको बर्फ की सफ़ेद कालीन जो है वो बिछी हुई दिखाई देगी। दरअसल कश्मीर में इस वर्ष हुई भीषण बर्फबारी का इतने दिनों तक मौजूद रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार जनवरी के पहले हफ्ते में भीषण बर्फबारी हुई है, और ये वो मौसम होता है जब कश्मीर में चिले कलान, जिसे
सख्त सर्दी कहा जाता है जो 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक रहती है, उस मौसम में ये बर्फबारी हुई है। और इस मौसम में रात का तापमान जो है वो शून्य से करीब -15 डिग्री तक नीचे चला जाता है, जिसके कारण ये बर्फ जो है पिघल नहीं पा रही है। बर्फ जो है हर आए रोज गिर रहे तापमान की वजह से जो है काफी हार्ड बन चुकी है, क्योंकि ये बर्फ जो है इसको काटना मुश्किल हो रहा है। और रात में जो तापमान शून्य से नीचे चला जाता है, उसके कारण कश्मीर के हर हिस्से में आपको इसी तरह से बर्फ की सफेद चादर जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि श्रीनगर में हर गुजरते दिन के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। श्रीनगर के बहुत सारे इलाकों में अभी भी 1 फीट से 1.5 फीट के आसपास बर्फ जो है वो मौजूद है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दिन में धूप खिलने से रात में आसमान खुला रहता है, और जब सुबह आँख खुलती है तो ये बर्फ जो है ये शीशे की दीवार बनी हुई होती है। ये तो सिर्फ श्रीनगर शहर की तस्वीर है, जहाँ आप जर्रा जर्रा बर्फ की आगोश में सिमट हुए दिखाई दे रहा है। कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तस्वीर क्या होगी वो इन तस्वीरों को देखकर बयान करना भी शायद बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उन इलाकों में करीबन 8 से 9 फीट के आसपास बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और रात के तापमान पर वहां नजर डाले तो करीब -15 डिग्री तक नीचे चला जाता है। लेकिन निसंदेह ही कश्मीर में हुई इस भीषण बर्फबारी से कश्मीर की सुंदरता में 4 चांद लगे हुए हैं। देश भर से पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों के लिए ये खूबसूरत नज़ारे, ये बर्फबारी जो है उन्हें किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लग रहा है। और उस पर मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है कि कश्मीर में फिलहाल लोगों को इस ठठरती ठंड और इन बर्फीली हवाओं से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यानी कि कश्मीर में अगले हफ्ते तक यहाँ की रातें जो है वो और ज्यादा सर्द होंगी। पहाड़ी इलाकों में तापमान जो है वो -15 से 20 डिग्री तक पहुंच सकता है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। ठंड के मामले में श्रीनगर ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और हड्डी गलाने वाली इस ठंड से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। ये तो मुश्किल हो गया, फिर हम शिकारा वाला के लिए बहुत मुश्किल हुआ। उसके बाद घर वालों को रात को पूरा जम गया, नलका में पानी नहीं भी कुछ नहीं भी। और इसके बाद में एक एडमिशन से गुजारिश कर रहे हैं, ये जो बर्फ है ये फिर हटाओ, जो रोड के साइड जो पानी के किनारे उनको उसमें फेंको, बहुत तकलीफ होता है। कल शाम हम जब यहाँ डल गेट में आए थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें दिखी, -7.8, तो बहुत सारी दिक्कतें हमें हुई। सर्दी बहुत थी, रास्ते लगे हुए हैं और नल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे जैसे लग रहा है अभी तक पूरा भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ठंड तो बहुत सारी है, पहली बार हुई इतनी ठंड यहाँ पे, -7 है यहाँ पे, हमारे एंजॉय बहुत कर रहे हैं यहाँ पे। असल में ये जो ठंड उतरी है ये हमारी बचपन की यादें दिलाती थी, जब हम छोटे होते थे ऐसा ही विंटर होते थे, तो हम भूल गए थे बीच में कश्मीर में विंटर नहीं होता। कश्मीर की एक्चुअली ये नेचुरल है, जहाँ पर जो क्लाइमेट होता ना एक्चुअली सर्दी का, हम भूल गए थे सर्दी, मगर ये सब पार्ट ऑफ द कश्मीर, स्नो के बगैर कश्मीर कुछ नहीं है जी। हमें तो ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, जो ऊपर देहात के लोग हैं उधर तो ज़्यादा ही बर्फ़ पड़ती है, कम से कम 3-4 फुट बर्फ़ है, तो बर्फ़ रोड पर ऐसे ही अभी मौजूद है, कोई मशीन वगैरह उस रोडों से ये बर्फ हटाने में अभी नाकाम रही हैं। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में लोगों को ठंड से इतनी जल्दी आराम नहीं मिलने वाला है। क्या है मौसम विभाग का प्रेडिक्शन, देखिए। एक्चुअली ये नॉर्मल से -4.6 मिनिमम हो गया है, ये 2012 में भी -7 रिसेंटली हुआ है, उससे पहले भी अगर हम पिछले 40 साल का देखेंगे तो 1991 में ये हो गया है -11.8, 20 जनवरी 1991 को -11.8 हो गया है। बिहार में एयरलाइंस मैनेजर की हत्या पर एक बड़ा अपडेट, ब्रेक के बाद।